हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ यात्री यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बाइक जो जमीन में नहीं बल्कि हवा में उड़ाई जाती है, एक ऐसी मैग्नेटिक हिल जो गाड़ियों को अपनी तरफ खींचती है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और एक ऐसा इंसान जिसके लिए अकेले एक पूरा वोटिंग बूथ खोलना पड़ा। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फैक्ट नंबर 9, अगर आपके सामने ड्राइव करते समय कोई चढ़ाई आ जाए तो उस वक्त कार या बाइक को अपनी एक्स्ट्रा पावर का यूज करना पड़ता है, और अगर गलती से उस वक्त आपकी कार रुक जाए तो उसका नीचे आना तो तय है, जिसका नॉर्मल सा रीजन है अर्थ में प्रेजेंट ग्रेविटी फोर्स जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मैजिकल हिल के बारे में बताने वाला हूँ जो गाड़ियों को अपनी तरफ खींचता है। दरअसल लद्दाख जाते वक्त लेह कारगिल नेशनल हाईवे पर लेह सिटी से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक छोटा सा एरिया है जहां गाड़ियां अपने आप ऊपर की तरफ खिंचती हुई चली जाती हैं। इस हिल को मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री हिल जैसे नामों से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिल से काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जीज निकल रही हैं, और यही रीजन है कि ये हिल्स गाड़ियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वाटर टैंकर्स, पेट्रोल टैंकर्स हमेशा गोल यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में ही क्यों होते हैं? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल टैंकर्स को एक ही सीट से बनाया जा सकता है, और जिस वजह से इसमें जॉइंट्स होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। और अगर इन टैंकर्स को रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाए तो कम से कम 4 जॉइंट्स होना तो नॉर्मल है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अगर रेक्टेंगुलर टैंकर्स में पानी भरा जाएगा तो इसके किनारों में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से इन जॉइंट्स में लीकेज हो सकती है। और वहीं सिलेंड्रिकल टैंकर्स का शेप सर्कुलर होने की वजह से इसमें प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस कंडीशन में ट्रक जितना भी हिले इससे ऑयल और वाटर लीकेज इम्पॉसिबल है। और यही नहीं, इन टैंकर्स में कॉर्नर नहीं होने की वजह से इनका क्लीनिंग प्रोसेस भी काफी इजी हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, नॉर्मली एप्पल्स का प्राइस 90 रुपीज टू 100 रुपीज पर केजी होता है, लेकिन इमेज में दिखने वाले इस एप्पल का नाम ब्लैक डायमंड एप्पल है। ये एप्पल्स काफी हाइट में उगाए जाते हैं, दिन के समय इन एप्पल्स में सन की काफी ज्यादा अल्ट्रा यूवी रेस पड़ती हैं, जिस वजह से ये एप्पल डार्क पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। इससे एक एप्पल का मार्केट प्राइस 600 टू 700 इंडियन रुपीस है, और ऐसा कहा जाता है कि ये एप्पल शहद से भी ज्यादा मीठा होता है। फैक्ट नंबर 6, इंसान अपनी एक आंख से 150 डिग्री और अपनी दोनों आंखों से 180 डिग्री तक देख सकता है, और इसी वजह से इंसान को पीछे की तरफ देखने के लिए अपनी नेक को रोटेट करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रैबिट एक ऐसा जानवर है जो 360 डिग्री तक देख सकता है। दरअसल रैबिट की आंखें उसके सर में ऊपर की तरफ होती हैं, जिस वजह से एक रैबिट किसी भी डायरेक्शन में बिना गर्दन घुमाए आसानी से देख सकता है, और रैबिट की ही खूबी उसे जंगल में अपने एनिमीज से बचाए रखती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से वहां पर बॉल पेन, जेल पेन और फाउंटेन पेन्स का यूज नहीं कर सकते? इसीलिए करोड़ों डॉलर खर्च करके वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पेन बनाया जो जीरो ग्रेविटी में किसी भी सरफेस पर और कोई भी टेम्परेचर पर आसानी से काम कर सकता है। लेकिन ये सब देखने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे, सर स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर। दरअसल इसका एक नॉर्मल सा रीजन है, हम स्पेस में पेंसिल से लिख तो सकते हैं, लेकिन पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर गलती से भी पेंसिल की नोक या ग्रेफाइट के पार्टिकल्स वेंटिलेशन और स्पेस क्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चले जाएं, तो वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो सकता है, और इस धमाके में एस्ट्रोनॉट्स की जान तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी पाले जी बिस्किट्स तो खाए ही होंगे, और आपने भी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि पाले जी में जी का मतलब जीनियस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाले जी में जी का मतलब ग्लूकोस है? लेकिन ईयर 2013 में पाले जी 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली FMCG बनी, और उसके बाद पाले जी ने अपना स्लोगन चेंज करके जी फॉर जीनियस कर दिया।
फैक्ट नंबर 3, हमारी अर्थ में एक दिन 24 आवर्स का होता है, और वही अगर बात की जाए प्लैनेट मरकरी की तो वहाँ पर एक दिन 1408 आवर्स का होता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप भी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आपके पास आपकी वोटिंग पावर है, जिससे आप अपने मनपसंद के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, और आपके इन अधिकारों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव से पहले काफी एक्टिव हो जाता है और इस बात को इंश्योर करता है कि एक भी वोटर वोटिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम फेस न करे। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ईयर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक आदमी के लिए पूरा वोटिंग बूथ खोला। भरत दास गुजरात में जूनागढ़ के गिर फॉरेस्ट के पास रहते हैं, जहां दूर दूर तक कोई फैमिली नहीं रहती। फैक्ट नंबर 1, आपने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट्स को आसमान में उड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी बाइक को आसमान में उड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको अपने घरों के बाहर ऐसी बाइक्स देखने को मिल जाएं, क्योंकि टोक्यो की एक स्टार्टअप ALI टेक्नोलॉजी ने इस होवर बाइक को तैयार कर लिया है, और इस कंपनी ने इस बाइक का नाम एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन रखा है। इन बाइक्स की हवा में सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद 200 बाइक्स को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इन बाइक्स को एक बार में 40 मिनट तक उड़ाया जा सकता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इन बाइक के इंजन में पेट्रोल और इनकी मोटर को सपोर्ट करने के लिए बैटरीज का यूज किया जाता है। इन बाइक्स में ऑल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये बाइक कंपनी अपने ड्रोन बनाने में यूज करती है। अगर आप भी इस बाइक को परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका मार्केट प्राइस 5-6 करोड़ तक जा सकता है। होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।